अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास चैप्टर नंबर 4 का बेटा आज का हमारा टॉपिक है और टॉपिक का नाम है अल्कीन। तो स्टार्ट करते हैं। अल्कीन, इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने दो चीजें पढ़ी थी बेटा, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़े थे और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़े थे। अगर मैं अल्कीन की बात करता हूं तो बेटा अल्कीन हमारे पास अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है बेटा हमारे पास अल्कीन। अनसैचुरेटेड का मतलब है कि अनसैचुरेटेड में हमारे पास अल्कीन भी आता है और अल्काइन भी आता है। अगर बात हम अल्कीन की कर रहे हैं तो अल्कीन में अगर मैं बॉन्ड की बात करता हूं तो बेटा अल्कीन में जो बॉन्ड आएगा वो होगा डबल बॉन्ड, और इसको डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं डबल लाइन से। अब हम बात करते हैं कि अल्कीन जो है वो बेसिकली किस जो है वो लैंग्वेज का वर्ड है बेटा, ये लैटिन वर्ड जो है वो ओलिफिन से ड्राइव हुआ है। अल्कीन को हम ओलिफिन्स भी कहते हैं, ओलिफिन्स। ओलिफिन्स किस लैंग्वेज का वर्ड है ये बेटा, ये लैटिन का, ऑयल फॉर्म। ये हमारे पास बेटा लैटिन जुबान, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है ओलिफिन्स, ठीक है। अल्कीन को हम ओलिफिन्स भी कहते हैं, लैटिन वर्ड है ऑयल फॉर्मिंग। ऑयल बनाने का। अब हम अगर हम अल्कीन की एग्जांपल की बात करते हैं तो बेटा जी इसकी एग्जांपल में हमारे पास सबसे पहला मेंबर जो अल्कीन का है वो हमारे पास है इथीन। अब आपने पहले पढ़ा है कि हमारे पास जो स्टार्ट होता है हाइड्रोकार्बन्स वो अल्केन से स्टार्ट होते हैं बेटा। तो अल्केन जो है उसमें हमारे पास मीथेन पहला मेंबर आता है और वो किसमें आएगा, अल्केन में आएगा। अगर हम बात करते हैं अल्कीन की या अल्काइन की यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तो उन दोनों का फर्स्ट मेंबर जो है वो कौन सा होगा, इथीन। इथीन जो है वो अल्कीन का होगा और इथाइन जो है वो अल्काइन का होगा। तो अगर इथीन की बात करते हैं तो इथीन का जो बेटा फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला वो आपके पास है C2H4, ठीक है। ये क्या है, ये आपके पास जनरल फॉर्मूला, ठीक है जी, इथीन का। अब अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो बेटा उसकी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा, कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होगा, और उसके साथ साथ अगर आप CH4 को डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूले में लेके जाएंगे तो वो कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बताता हूं। C2H4 की जब हम बात करते हैं तो बेटा इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा, ये बेटा जी इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास कंडेंस्ड फॉर्मूला आएगा, वो आपके पास होगा हाइड्रोजन इसके चारों तरफ अटैच होगा और ये दरमियान में डबल बॉन्ड आ गया, ये आपके पास इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया। और अब डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूले की बात करते हैं, ये बेसिकली बेटा डॉट और क्रॉस ये इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, यहां पे हाइड्रोजन आएगा और इसका ये इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, ये आपके पास इसका डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बेटा इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वो आता है इसकी अकरेंस का, कि ये कहां कहां पे और कैसे पाई जाती है, ठीक है, अल्कीन। उसके बाद आपके पास आता है टॉपिक जी फिजिकल प्रॉपर्टीज का, और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद जो आपके पास टॉपिक आएगा वो आएगा इसके यूजेस का। तो ये आपका आज का टॉपिक है, इसको आपने तैयार कर लेना है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होगा तो वो क्वेश्चन आपने पूछेगा।